हम कुछ करना चाहते हैं। आज ये प्रेस क्लब में बैठने का मकसद है, आप बताएं हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत से आपके ऐसे जो गरीब अवाम है जिनको आपकी जरूरत है, जिनकी आवाज अवालों तक पहुंचा दे, कुछ नहीं हो रहा पिछले 30 साल से और आगे भी कुछ नहीं होगा। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, छोटे छोटे कोई ऐसे भी हम काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज से हम एफिलिएशन करके आपको यहाँ के तालीमी कोई वहाँ कोई काउंटी के कॉलेजेस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ तो मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी हैं जिनके साथ हम एफिलिएशन कर सकते हैं कि मिडिलसेक्स काउंटी ऑफ न्यू जर्सी ने आपको एफिलिएशन कोर्स किया, अगर आप यहाँ ऑनलाइन करेंगे वो तो आपको डिग्री वहाँ से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे काम नहीं हो सकते। तो 20 करोड़ अवाम में मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम लोग 20 करोड़ अवाम की सपोर्ट करें, अगर हमने 200 और 500 हजार लोगों की भी हेल्प कर दी तो आई थिंक वो एक हेल्प होगी और वो उसका बेड़ा उठाना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद से आप हमें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ये जरूरत है, आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान को कोई नहीं जाता, हम लोग तो आएंगे चले जाएंगे मेरिट में ठहरे हैं इधर चले तो वो कोई फर्क नहीं, लेकिन वो जो अवाम जो आपकी झुग्गियों में रह रही है, जो अवाम कोई गंदा पानी पी रही है, अब उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको इसी दोस्त के लिए। मेरा नाम अब्दुल जब्बार फैसल है। मेरा सवाल ये कि इतना पॉलिटिकल भी नहीं है, बस दरमियाना सा है कि इमरान खान ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का ऐलान किया है, पॉलिसी का ऐलान किया है फॉरेन पॉलिसी का कि वो लुकिंग टुवर्ड रशियन, तो इस सूरत हाल में वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के मफादात को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए वही तो हम रोना रो रहे हैं कि अमरीका और बरतानिया लोग रहते हैं वहाँ, हमें कोई तंग नहीं करता, चाहे हम खुले होकर वहाँ पर अमेरिका का झंडा भी रोड पर चला सकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन नहीं होगा। ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप जैसे मुअज्जज साथी कैमरामैन और बहुत से और जो दूसरी फील्ड से मुंसलिक लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया कि हम बता सकें कि पाकिस्तानी जो इस मुल्क से दूर जाकर रहता है उसको कितना दर्द होता है जब पाकिस्तान में कुछ भी होता है, चाहे वो हुकूमत होती है फिर तब्दीली हो, चाहे पाकिस्तान में जलजला है, चाहे पाकिस्तान में कोई बम धमाका होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं पीटीआई यूएसए का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन आज मैं एज ए पाकिस्तानी आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी शनाख्त है, पाकिस्तानी हमारी पहचान है और उस पाकिस्तान के फ्लैग पर आगे चुप खड़े हैं और कोई हमें स्पेशली प्रेस क्लब के सदर अनवर साहब, अफजल भट्ट साहब और हमारे गोल टीवी के गुलाम मुर्तजा साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सब छोटी सी एक दिन के नोटिस पे उन्होंने ये सारा अरेंज किया। यहाँ आज का जो मकसद था वो हम बताना चाहते हैं कि महज अफजल साहब ने सारी हमने हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसको पोजे में ला कर डाल दिया सारे, और वो बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको पता है वो अक्सर आते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं मुख्तलिफ जो तंजीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल पिछले 10 साल से अमेरिका में काम कर रही है। जब हमने काम शुरू किया था तो पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल का मोटो था कि इन्वॉल्व द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इनटू पब्लिक अफेयर्स, सिविक एंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन अमेरिका हूज पाकिस्तानी लिविंग इन अमेरिका। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं उनका एक मसला यह था कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, तो जब आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर आपको न्यूयॉर्क में स्टेट लेजिस्लेटर है, आज एक अदील राणा जो हमारे साथ पुलिस ऑफिसर है वो एक ऐसी पोजिशन में जो पाकिस्तान में नहीं है, टेक्सास में ऐसे लोग हैं जो कि आला उदों पर फायज है, और अमेरिका के अस्पतालों से लेके नासा से लेके इंजीनियरिंग के जितने डिपार्टमेंट हैं सब में आपको पाकिस्तानी आगे आगे नजर आएंगे। एक पाकिस्तानी का ख्वाब क्या होता है, एक चटाई के छोटे से रूम में पढ़ने वाला तख्ती पे लिखने वाला एक पाकिस्तानी बच्चा एक गांव से चलता है शहर
फिर वहां से वो अपनी फैमिली की बका के लिए, अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए एक घर से एक बच्चा निकलता है और कहीं अमेरिका, यूरोप और कहीं जाता है। वहां पर वो बच्चा वहां जाके पढ़ता है, वो बच्चा रात को टैक्सियां भी चलाता है, वो बच्चा पिज्जा डिलीवरी भी करता है और साथ साथ अपनी तालीम भी करता है। और उस बड़ी यूनिवर्सिटी से वो बच्चा एक आला डिग्री हासिल करता है और वही बच्चा जाके उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन जाता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर यहाँ से जाता है और अपने यूएसए के लिए और जो भी कोर्सेज होते हैं वो करता है, बिल्कुल डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से एनईडी से, लम से, एनईडी से और मुख्तलिफ जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहां से जाते हैं और वही लोग अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 200 और 600 मिलियन की कंपनियां रन कर रहे हैं। अब एक वक्त आता है कि जब वो पहुंचता है, अपनी तरक्की कर लेता है और एक मुकाम पे पहुंचता है, एक एज के हिस्से में पहुंचता है, तो वो सोचता है कि यार मैं जब अपने मुल्क से निकला था रोज मास की खातिर अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सब तो मैंने अचीव कर लिया। अब मैं पाकिस्तान में जो बच्चे और पाकिस्तान में जो लोग 65% 70% लोग जो गरीब अवाम है वो इसी तरह से अभी तक सफर कर रही है। पिछले 30 सालों से वो तब्दील नहीं हुआ। हमारा जो माशी सिस्टम है, जो चौधरी हैं और जो बड़े लोग हैं वो हमेशा आगे रहे और वो हमेशा पहले 10 करोड़ बनाते थे तो आज वो 400 करोड़ बना रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो वही आज उसकी जो एक गरीब आदमी है वो आई वो जो तगारी लेके जो एक मजदूर है उसकी तनख्वाह में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। आप इस्लामाबाद की रोडों में चले जाए तो 4-4 करोड़ की गाड़ियां लोग चला रहे हैं और वो बच्चा एक वो भीख मांग रहा है रोड पे या उसके लिए। तो आज यहाँ हम जमा हुए हैं कि पहले तो हम ये बताएं कि हम अचीव हमने क्या क्या किया है। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल के थ्रू हमने हर साल, लास्ट ईयर कोविड-19 में हमने 13,000 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड किया, जिसमें कई जैसे जो मोटरसाइकिल पे जो सर्विस देते हैं उन लोगों को हमने राशन दिया जो बहुत बुरा। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ऐलान करता हूं कि इस प्रेस क्लब से और पाकिस्तान में रहने वाले जितने कैमरामैन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी इस रमजान के मौके पर हम लोग सब आप लोगों की जितनी खिदमत हो सकेगी हम करें। क्या पाकिस्तान मुल्क की गवर्नमेंट बनने, चेंज होने से और पिछले 30 साल में जो रहा है, क्या हमारा जो निचले तबके का जो गरीब अवाम है उसकी उस पर कोई फर्क पड़ा है? आदर साहब से बात हो रही थी मेरी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कुछ कर सकें और हमारा जो गरीब अवाम है उसको हम हेल्प कर सकें। जरूरी नहीं है हम बहुत ज्यादा आपको पैसों से करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिका में, दुनिया के हर बड़े मुल्क में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी सलाहियतों से, अपनी एजुकेशन से बहुत आगे पहुंच चुके हैं हर फील्ड में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो, आईटी के महकमा में काम करने वाले लोग, वो चाहते हैं कि वो अपने सारी जो उन्होंने तालीम उन मुल्कों में हासिल की है और जिनसे वो काबिलियत रखते हैं वो उनसे फायदा पहुंचा सके हम पाकिस्तान में आवाम को। हमने जो एक प्लेटफॉर्म अभी अनाउंस करने जा रहे हैं इस मौके पे टुडे, उसका नाम है कनेक्ट पाकिस्तान ग्लोबली और इस पे हम काम कर रहे हैं और एक ऐसा पोर्टल हम बनाने जा रहे हैं। उस पोर्टल के थ्रू तमाम ऐसे लोग जो अमेरिका में हैं और जो आला औहदों पे और टैलेंटेड लोग जो अपनी अपनी फील्ड में नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं और इधर पाकिस्तानी, चाहे वो सनअतकार होगा, चाहे वो एक बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा होगा या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होगा और उसके पास अपनी फीस भरने के नहीं हो पैसे होंगे, उस पोर्टल के जरिए आप लोग इंटरेक्ट करेंगे इस पाकिस्तानी अवाम, एक जनरल पाकिस्तान जो यहाँ रहते हैं वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर या अगस्त में वो पोर्टल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग फिर यहाँ अगस्त और सितंबर में आएंगे और इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। उस
उस वक्त भी हमें आप सब लोगों की जरूरत होगी। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल का मैं बताता चलूं कि कोविड-19 में पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल में न सिर्फ पाकिस्तानियों की हेल्प की है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले जो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गरीब अमेरिकन, अभी भी आप समझते हैं कि अमेरिका बहुत दुनिया का बहुत अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन आप यूरोप में चलते हैं, फ्रांस में चले हैं, वहां भी ऐसे लोग हैं, वहां भी पॉवर्टी है। तो हम ये चाहते और हमने बड़े काम किए हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में लोगों ने बड़े हजारों मील्स दिए वहां लोगों को, और ये वहां की गवर्नमेंट ने, गवर्नर्स ऑफिस ने, मेयर ऑफिस ने उसको सराहा है। जो पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल इस नए प्लेटफॉर्म के थ्रू इस हमारे जो बच्चे हैं यहां पर, जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें छोटे छोटे सेंटर्स खोलना चाहते हैं, ताकि वहां पर उनको हायर एजुकेशन दी जाए। हायर एजुकेशन ये नहीं कि डिग्री के फॉर्म में दी जाए, बल्कि कंप्यूटर प्रोवाइड करके उनको। आप लोगों को, लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है ना बड़े हुनरमंद है और फोन चलाना आता है सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी की फील्ड में इतनी सारी चीजें हैं कि आप छोटे छोटे कोर्सेज अगर करें। अभी सैप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें पाकिस्तान में इंटरेस्ट आ रही है, बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट सैप, इतने बड़े बड़े ऐसे जो जो दुनिया की सारी इकोनॉमी में अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 12 वीक के कोर्सेज हैं, 10 वीक के कोर्सेज हैं। यहाँ हमारी आवाम को उसका पता नहीं है, हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमें उस तरफ ले जाना। हमारा मसला क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया और दूसरे जो जो सफर कर रहे हैं लोग, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर आदमी को अपनी पड़ी है, वो कुछ चौधरी ने, वो चौधरी साहब ने आज ये इवेंट आज बयान दिया है तो वो इधर हो गई कभी उसकी गवर्नमेंट, और कल उस चौधरी बड़े एमपीओ वालों ने यूं कर दिया। ये हम इसी नहीं फंसे हुए, कोई आप मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप हमारी मदद करें। कनेक्ट ग्लोबल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से न्यूयॉर्क के जैकब जैवट कन्वेंशन सेंटर में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, हम इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इस साल के आखिर में एक ऐसा कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की चीजें हैं, जो चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका गंदम हो, चाहे वो आपकी राइस हो, चाहे वो आपके आम हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, और जो नई नई टेक्नोलॉजी में जो बच्चे जो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां बना रहे हैं, जो बच्चे ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं, उसमें हम वहां अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और उसमें दिखाया जाएगा, और उसमें हम लोगों को आप लोगों की सख्त जरूरत पड़ेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो उसमें हमारी हेल्प करेंगे। और अभी हमारे जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी काफी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, और हम कुछ चिलर प्लांट जो होते हैं जो कूलर लगाने चाहते हैं तो हम आपके तवस्सुल से लगाना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि कहाँ लगाना है। तो आप हमें बताएं, हम लोग अगर आप में एक कोई ऐसा बता दें कि जी ये प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं जो कि आप लोगों के तवस्सुल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के तवस्सुल से करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह अपने जेबों के खोल देंगे और इंशाल्लाह जितनी हो सके ये हम मदद करेंगे। लेकिन ये काम होगा एक कमिटमेंट और टुगेदरनेस के साथ, ना कि पीटीआई, ना कि नवाज शरीफ, ना कि एज ए पाकिस्तानी आपको करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ अफजल भट्ट साहब ने थोड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि हम लोग कसम खुदा की हम लोग जब कभी कभी रात में बैठे होते हैं तो सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बिल्कुल है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं। आज ये प्रेस क्लब में बैठने का मकसद है, आप बताएं हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत से आपके ऐसे जो गरीब अवाम है जिनको आपकी जरूरत है, जिनकी आवाज अवामों तक पहुंचाते हैं, कुछ नहीं हो रहा पिछले 30 साल से और आगे भी कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, छोटे छोटे कोई ऐसे भी हम काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज से हम एफिलिएशन करके आपको यहाँ के तालीमी कोई वहाँ जो काउंटी के कॉलेज हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी हैं जिनके साथ हम एफिलिएशन कर सकते हैं कि मिडिलसेक्स काउंटी ऑफ न्यू जर्सी ने आपको एफिलिएशन कोर्स किया, अगर आप यहाँ ऑनलाइन करेंगे वो
तो आपको डिग्री वहां से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे काम नहीं होता है। वेलफेयर के छोटे छोटे जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें उसमें मैं आपको दूंगा पार्टनर, आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 1993 में पाकिस्तान गया था और जब मैं पाकिस्तान गया था तो मेरी जेब में $500 थे और वो भी मैं किसी से लेके गया अमरीका। आज अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और जो चाहे कर सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनकी जबान से निकलता नहीं कोई चीज। अब वही है देखिए बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो अपनी कॉलेजों की फीसों के लिए हैं, वो अपनी दवाइयों के लिए हैं और वो मतलब इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो 20 करोड़ अवाम में मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम लोग 20 करोड़ अवाम की सपोर्ट करें, अगर हमने 200 और 500 हजार लोगों की भी हेल्प कर दी तो आई थिंक वो एक हेल्प होगी और वो उसका उसका बेड़ा उठाना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद से आप हमें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ये जरूरत है। आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान को कोई नहीं जानता, हम लोग तो आएंगे भी चले जाएंगे, मेरिट में ठहरे हैं इधर से तो वो कोई फर्क नहीं, लेकिन वो जो आवाम जो आपकी झुग्गियों में रह रही है, जो आवाम कोई गंदा पानी पी रही है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपको इसी दोस्त के लिए। सर मेरा नाम अब्दुल जब्बार फैसल है। मेरा सवाल ये कि इतना पॉलिटिकल भी नहीं है, बस दरमियाना सा है कि इमरान खान ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का ऐलान किया है, ट्रूप पॉलिसी का ऐलान किया है फॉरेन पॉलिसी का, कि वो लुकिंग टुवर्ड रशियन। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के मफादात को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए देखिए वही तो हम रोना रो रहे हैं कि अमरीका और बरतानिया लोग रहते हैं वहाँ, हमें कोई तंग नहीं करता, चाहे हम खुले होकर वहाँ पर अमेरिका का झंडा भी रोड पर चला सकते हैं, कोई आपकी कोशिश नहीं। ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अमरीका को बनने में 200 साल लगे, हमें वही डेमोक्रेसी वही माइंड सेट लाना पड़ेगा अपनी आवाम में, जो हमारी बाशोर आवाम है उसको सिखाना पड़ेगा। और कौन सिखाएगा? वो आप सिखाएंगे। हम लोग एक अगर जो हम जो अमेरिकन है वो बड़े मुखैर रहे और जो यूरोप में जो लोग रह रहे हैं दुनिया में ओवरसीज में, मैं सऊदी अरब की उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, उसको बेचारे मास उसे तलाश में जाएंगे, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो डेवलप कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तानी 20-25 साल से रह रहे हैं वो बहुत फ्लॉरिश हो चुके हैं। आप हमें बताएं कि क्या प्रोजेक्ट क्या है और हम उस पर कर सकते हैं, वो 100 वर्षों की कफालत भी हो सकती है और 2000 की कफालत भी हो सकती है। आप हमें बताना पड़ेगा, बजट बताना पड़ेगा, बिगिन से डाउन ये अभी बिगनिंग है और हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं और हम आप इस तरह प्लेटफॉर्म के तवसुत से आप हमें बताएं। हम 100 लोगों की स्कॉलरशिप देते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास जिनके बच्चे ऐसे लोग जो कि अब माँ बाप मजबूर हैं कि उनको साइकिल के पंक्चर की दुकान पर बिठाना पड़ता है क्योंकि उनकी कफालत के लिए कोई दूसरा आदमी है नहीं। तो ऐसे हमने प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू किए हैं लाहौर में, कराची में, जहाँ हम उनके माँ बाप से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी इसकी तनख्वाह चाहिए, तो बोलते हैं जी ये 7,000 रुपये कमाता है महीने का। तो हम ऐसे 100 आदमी या 200 आदमी जो भी हम पिक करते हैं उनके उनके पेरेंट्स को वो 7-10 हज़ार रुपये भी देते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि प्लीज खुदा के वास्ते इस बच्चे को बता दो और जो उसकी जो भी छोटी मोटी नॉमिनल से फीस होती है वो भी हम देते हैं। काविश को हम सराहते हैं कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी सजेशन है, जैसा आपने कहा कि सजेशन दीजिएगा। अब मेरा खुद वहाँ पे चक्कर लगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर की मार्केट में इतना स्कोप है, लाइक वहाँ पे एक कंपनी का ओनर मुझे कह रहा था कि ब्लॉकचेन में अगर आप अपने लोगों को ट्रेन करें तो 5 लाख लोग हम यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन वैली में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे आप ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर की शुरू करें, लोगों को बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स दें ताकि ये लोग ब्लॉकचेन या इस तरह के कामों में आगे जाएं। लोग यहाँ से जाते हैं और जाके वहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं, अगर यही सॉफ्ट स्किल्स उनके पास हो तो वहाँ पे जाके ये अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं और मजदूरी के अलावा भी हो सकते हैं। मैं खयाम शाकिर हूँ,
काम कर रहा हूँ, मैं आईटी से रिलेट करता हूँ, आई वर्क फॉर गर्ल्स फॉर द लास्ट 15 इयर्स, तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है ये टिकटॉक से दिख रहे हैं, हमारे बच्चे ये जो गेमों से दिख रहे हैं, जो गेमिंग खेलती हैं बच्चे, हर वक्त बच्चे गेमों के हैं, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं आई टी के, जिसमें इंडिया की जो 50% ग्रोथ है वो आई टी से हुई है, और स्पेशली हमारी फील्ड में आप यूएसए का कोई भी बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट उठा लें, सारे के सारे इंडियंस हैं। अभी ट्रंप इज एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर अस एज वेल, फिर उसने इंडियंस के वीजा को रोक दिया, तो यूनाइटेड स्टेट में आई टी की जो मांग है वो डबल हुई। सो अभी हमें ये क्या करना है कि अगर इंडिया 70-80% कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं आई टी फील्ड में, तो अपने बच्चों को इंस्टेड ऑफ टिकटॉक की जगह पे हम छोटा सा एक प्रोग्राम है अपने एप्लीकेशन जो बच्चों के लिए यूजर फ्रेंडली हो और बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली आईटी इज लाइक स्काई इज द लिमिट इन दिस, सो वी हैव अ डिफरेंट जावा प्रोग्राम, वी हैव अ डिफरेंट लाइक स्मॉलर प्रोग्राम्स, पीपल कैन लाइक यू नो स्प्रेडशीट्स बनाने, इट्स लाइक सिंपल एजुकेशन है जो बच्चों को हाई स्कूल में दी जाती है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है, पर बच्चों को इस चीज पे डिवर्ट करने के लिए हमें छोटी छोटी फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं लाहौर में, एक छोटा सा ऑफिस बना रहे हैं जिसमें हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज बना रहे हैं, जिसमें बच्चे जो आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे रब्ता करें, हम अपनी एप्लीकेशन भेजें, हम उनको 3-5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जिनमें हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे बिफोर ही दे लीव फ्रॉम दिस पाकिस्तान। जो हमें इनविटेशन मिला है, जो बाहर पैनल लगा हुआ है कि आप टीटीआई के होदेदार हैं जी माशाल्लाह, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने टीटीआई को सपोर्ट किया, टीटीआई के होदेदार हैं, आपने एक हुकूमत बनवाई पाकिस्तान में, अब आप कहते हैं कि आप ये फाही काम करना चाहते हैं, तो आपकी पाकिस्तान पर मुसलत की हुई हुकूमत नाकाम हो चुकी है लोगों के मसाइल हल करने में, कि आप खुद भी इस मसाइल हल करना चाहते हैं। सर मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, सॉरी आपकी बात पूरी सुनिए, सुनेंगे क्या पाकिस्तान की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है जो कि मुहलत की गई थी, अब खुद आप रिफाहे आमा के काम करना चाहते हैं, और आपकी तंजीम का नाम क्या है, कहां पर रजिस्टर्ड है ये तंजीम, क्योंकि एक तो यूएस बिजनेस काउंसिल है, यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वो तो रजिस्टर्ड है, वेल नोन है, वो तो गूगल पर भी सर्च होती है, आपकी तंजीम गूगल पर सर्च नहीं होती है, इसको भी थोड़ा बता दें। जो हम जो काम कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले एक दहाई से काम कर रहे हैं, ठीक है। एशियन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जाके देखें, पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल की आप जाके देखें, आपको मैं अपना कार्ड दीजिएगा, मैं सारी आपको लिंक सबको सब भेजेंगे, पता है दो तीन ऐसी ऑर्गेनाइजर, पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल लार्जेस्ट पाकिस्तान डे परेड जहाँ 10,000 आदमी आते हैं, लोग यूट्यूब पे जाए और सुनिए पाकिस्तान डे परेड न्यूजर्सी करें, जहाँ पर हम पाकिस्तान का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर वो बच्चे वहाँ पैदा हुए जिनको पाकिस्तान के बारे में कुछ इल्म नहीं है, हम उनको बच्चों को बताते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हम कौन से कपड़े हैं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप कहाँ से आए और किस किस तरीके से तकलीफों में है। आप लोग बातें तो कर सकते हैं लेकिन आप आके आके काम करना पड़ेगा आपको, और काम करने के सैम खान का नाम गूगल पे टाइप करें, सैम खान, और आपको देखेंगे कितने मैंने कश्मीर का 25,000 आदमियों का प्रोटेस्ट यूनाइटेड नेशन में सैम खान और उसकी टीम ने जो किया, और जिसकी वजह से इंडिया ने मेरे खिलाफ लिखे सैम खान कश्मीर उसमें उन्होंने बैन किया मेरे खिलाफ, इंडियन लॉबी ने पूरा काम किया, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कीजिए सैम खान जो है इंडियन लॉबीस्ट है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाना चाहता था, पॉलिटिकल सिस्टम में लाने के लिए आप जीरो पे खड़े थे, इंडियन कम्युनिटी आपसे 10 गुना आगे बढ़ी है, तो उनके साथ काम करना सर उन्होंने अफजल भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें यहूदियों के साथ भी काम करना पड़ता है, हमें इंडियंस के साथ भी काम करना पड़ता है, हमें तो आप हमें मौका दें, आप सिर्फ ये ना देखें कि पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल की मुझे वेबसाइट कहीं नहीं मिल रही, आपने हो सकता है उसकी टाइपिंग सही नहीं की होगी, आपको डॉट कॉम और डॉट ऑर्ग का डिफरेंस समझना पड़ेगा, सो प्लीज इसको एक चीज आपको बता,
नहीं सकते धरना से कुछ करवा तो यूएसए है, यूएसए की पॉलिटिकल सिस्टम है राइट, वहां पर भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट आम बिल गेट्स क्या करता है आपको पता है ना, वहां पर वेलफेयर प्रोजेक्ट है उसको ये नहीं कि गवर्नमेंट का नहीं जी आप हमारे गेस्ट हैं काम बहुत शुक्रिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हम गाए हुए मेहमान की इज्जत करते हैं बिल्कुल थैंक यू।